मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी बस ये संडे का मेरा व्लॉग है, थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़ी सी मैं बिज़ी हो गई थी। और संडे को मैं गई थी अपनी मम्मी के यहाँ ईद के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं ईद पर जा नहीं पाई क्योंकि आपको तो पता ही है मैं थोड़ी बिज़ी चल रही हूँ। चलो ईद मुबारक। तेरा वाला तुम्हें जल्दी से दुल्हन दे। तो जी बस यहाँ पे मम्मी खाने की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने पहले ही मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी मुझे इस बार ना सहारनपुर वाली ईद चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता था ना कि पुलाव बनते थे, भले बनते थे, शीर वगैरह, इतना मज़ा आता था। अब क्या हो गया ना कि शादी के बाद क्या होता है कि डिफरेंट वो हो जाता है, टेस्ट आ जाते हैं और अलग अलग तरह के हमें खाने वगैरह मतलब सब कुछ बनाने खाने पड़ते हैं। अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टी होते हैं, उससे ज़्यादा लजीज होते हैं, पर मुझे बहुत याद आ रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं जब भी आऊँगी ना प्लीज़ मुझे शामी कबाब, पुलाव और मुझे बूंदी वाला रायता चाहिए। बट मेरा भाई पूरी जगह ढूंढ लिया, उसे बूंदी नहीं मिली। मम्मी का फ़ोन आया, बूंदी नहीं मिल रही। मैंने कहा मम्मी इतनी सीरियस मत हो, कोई बात नहीं, खाली दही भी चलेगी। मम्मी ने कहा नहीं नहीं बूंदी हो तो फिर तेरा टेस्ट किस तरह आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने नाश्ता और खाना वगैरह जो था, नाश्ता इन द सेंस कि आके मम्मी ने एकदम से शीर सर्व कर दिया जिसकी मैं वीडियो उठा नहीं पाई आते ही, और फिर उसके बाद हम खाना खाने बैठ गए और खाना वगैरह हम फारिग हो गए थे। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, हम लोगों ने बात करी, फिर ये शाम का टाइम था तो मम्मी ने सबको ये मैंगो जूस जो था मैं बीच में फंबल हो जाती हूँ, तो जो ये मैंगो जूस था मम्मी ने खुद से बनाया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त मतलब माजा जैसा टेस्ट देते हैं। मम्मी जो लेके आती है ना एकदम चेक करके लेके आती है आम स्मेल करके। तो बस मम्मी ने जूस बना दिया था, हम लोग सब जूस पी रहे थे बैठ के, थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे बैठ के। तो जी बस बच्चे तो गेम में लगे हुए थे और खाना खाने के बाद और जूस पीने के बाद ऐसे निढाल हुए कि बेडरूम में तो मेरे हस्बैंड थे, वो जाके वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो गए। भाई भारी सो गया मतलब ऐसे हो गया सब खा पी के जैसे पता नहीं कोई नशा किया हो। इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना सच्ची में, अपने जो हम चाहें वो अगर हो जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। जो मैं चाह रही थी कि वो पुलाव वगैरह मिल जाए, वो टेस्ट मिल जाए, वो चीज़ मतलब एक माँ ही बना के दे सकती है, ठीक है ना। तो खैर अल्लाह ताला सबकी माँओं को अच्छा रखे। तो जी बस मगरिब का टाइम हो गया था और उसके बाद मैं कह रही थी कि बस चलो घर चलते हैं, क्योंकि जो जिंजर होती है हमारे घर की पेट, जो हमारी कैट है, तो वो घर पे रहती है और फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना, हम लोग उसको खाना वगैरह सब कुछ रख के आते हैं, बट फिर भी ऐसा दिल मानता नहीं है ना कि काफ़ी देर तक। अब तो सच्चे में जब भी हम जाते हैं ना घर वापस तो हमें देखती है, म्याऊं म्याऊं करते हैं, तो बड़ा तरस आता है। साथ भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है ना पेट्स को इस वजह से। तो खैर बस शाम का टाइम था, मम्मी ने कहा कि चलो भले तो खा लो, ये भी तो लिस्ट में था मेन्यू में। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मम्मी बस आपने तो पूरा का पूरा ही वो इंतज़ाम कर दिया। तो जी बस अब आया था मोस्ट अवेटेड मोमेंट ईदी का। तो सबको ईदी मिल रही थी और बस मम्मी मेरे हस्बैंड को ईदी देती, तो खैर वो थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं। और मम्मी का और मेरे हस्बैंड का जो एक क्या कहते हैं ना रैपो जो है बहुत डिफरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे सास दामाद जैसा नहीं है कि थोड़े अकड़ो अकड़ो टाइप नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों ऐसे ही रहते हैं जैसा शहबाज़ है ना, तो ऐसे ही हंसी मजाक, मम्मी को थोड़ा सा टीज़ करना ऐसा है। तो खैर बस यहीं तक ही था मेरा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।